आर न्यूज चैनल अपने स्टूडियो से सभी को नमस्कार नमस्ते। आज अपने स्टूडियो से कुछ अहम कुछ प्रमुख बातों पर हम आपके बीच में एज ए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आपके बीच में लेकर आए हैं। आज 26 नवंबर यानी आज संविधान दिवस पूरे देश में ऑनरेबल कोर्ट में चारों तरफ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आपको 70वां साल। आप सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि हमारा जो जम्मू कश्मीर में भी आज से ये जो भारत के संविधान का अंगीकार वहाँ भी 70वां साल आपको मनाया जा रहा है आपको एक खुशी के साथ, जो आपको ये बहुत हमारे भारत इस देश के सभी लोगों पर ये नाज था और नाज है यानी कि संविधान दिवस। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि प्रायः हम इधर देख रहे हैं आपके रिव्यू करने पर जो संविधान के जो विशेषज्ञ जो होने चाहिए उनके संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। और जो भी युवा वकील यानी अच्छे से जो यूनिवर्सिटी से जो लॉ करके जो यूथ बैच आ रहा है ये प्रायः इधर देखने की बात मिले प्रकाश मारे कि ये लोग कंपनी कानून और साइबर लॉ की तरफ यानी केवल पैसा कमाना रोजगार की तरफ इन लोगों के भागने में होड़ मचा हुआ है। इसलिए प्लीज इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देने का आवश्यकता है कि नहीं हमारे संविधान में जो चीज़ें हैं उसको प्रकाशित की जाए, जो भी आज पूरे भारत का संघीय ढांचा है हमारे संवैधानिक यानी आज 26 जनवरी को उस पर सभी को आपको नए युवाओं वकील को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बहुत खुशी की बात है कि आज इसी 26 नवंबर को हमारा नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। ये नेशनल मिल्क डे के बारे में बताया जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बर्गोस कुरियन का जो जन्म केरल आपके राज्य के एक कोंजी आपके कोट गांव में इसी 26 जनवरी आपको यानी 26 नवंबर 1921 को हुआ था। आज जिनको भारत का मिल्क मैन कहा जाता है आज उनके नाम पर भी हमारे ये भारत के संवैधानिक आपके दिवस के साथ साथ ये भी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, जो एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। और इसको प्रायः लोग याद करेंगे कि आज संविधान दिवस के साथ साथ आपको आज नेशनल मिल्क डे भी है। इसके बाद हम चलते हैं आप थोड़ा सा आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी पॉल्यूशन पर कंट्रोल आपकी एक बहुत अहम चिंतन का विषय है कि आपको ऑनरेबल आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणी की गई है आपको भारत सरकार दिल्ली सरकार पर वो चिंतनीय है। हमारा एक लुक स्मार्ट चैनल हम सबसे गुजारिश करते हैं जो सरकार में या राज्य सरकार से प्लीज अभी थोड़ा सा भी कुर्सियों का भी कुर्सियों पर ध्यान से थोड़ा आकर्षित हटाते हुए एक जो राजनीतिक कूटनीति को हटाते हुए पहले पॉल्यूशन से पूरे भारत के देश के लोगों को बचाइए, नहीं तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको सबके आपका उम्र कम हो जाएगा, राजनीति जहाँ के तहाँ रह जाएगी। प्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ध्यान दिया जाए। और हमारा गुजारिश ये भी है कि जो हमारे वीडियो क्रिएट या जो भी हमारे संबंधित जो भी अगर सुनते हो चैनल को तो प्लीज़ हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रचार प्रसार करने के लिए प्रशासनिक जो स्थानीय जो आपको जो ढांचा है यानी जिले स्तर से किसी राज्य में एक एक्सपर्ट एनजीओ के थ्रू बताया जाए कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल कैसे होता है और कितना नियंत्रण किया जा सकता है, जो एक ये अहम विषय है। सबसे बड़ी बात हम चलते अपने बिहार सरकार पर यानी बिहार में बिहार पुलिस का जो ढांचा एक अचानक आपको यहाँ जो बदल दिया गया यानी जो पहले आपको एक DGP जो वर्तमान हमारे जो गुप्तेश्वर पांडे जी है यानी सर्वा वही आप पूरे बिहार के पुलिसिंग के मुखिया होंगे और उनके अंडर में पूरा ये 14 डिवीज़न यानी इसमें 2 डिवीज़न बांटा गया है, एक फील्ड पोस्ट है एक नन फील्ड पोस्ट है। यानी नन फील्ड पोस्ट है सारा इसका नियंत्रण हमारे आपको वर्तमान DGP गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा किया जाएगा। इस पर कैसे इस पर कर्तव्य दायित्व कैसे निभाया जाएगा इसके 3 कमेटी तैयार होने के बाद बताई गई है, जिसमें ADG हेडक्वार्टर उसके अध्यक्ष होंगे और ADG लॉ एंड ऑर्डर ADG हेडक्वार्टर उसके सदस्य होंगे। और साथ साथ ये भी बताते चलते हैं कि इसी वर्ष 15 अगस्त को ही आपका स्वच्छ छवि वाले
आपका ऑफिसर को थाने में एक पोस्टिंग करके SHO इंस्पेक्टर DSP रैंक पर उन्होंने जो वर्तमान जो नीतीश कुमार जी और गुप्तेश्वर पांडे जी द्वारा जो ये कार्रवाई की गई जिसकी काफ़ी तारीफ की गई, और इसके साथ साथ आपको अनुसंधान और उस पर लॉ एंड ऑर्डर पर एक अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ा। इसके साथ अचानक ये जो आपको ये जो 14 डिवीजन पुलिस को बांटी गई है, आपको यह भी एक अच्छी कदम है। इसके बारे में अलग से हम रिव्यू करके आपको अपने चैनल से आपको हम लगातार आपको हम इस चैनल से आप लोग को हम बताते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको अंत में यही कहेंगे कि आपको जो बिहार में जो लूट की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, आपको लूट पर कैसे रोका जाए, इसके स्पेशली हम कल आपको बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से हम पूरे स्थानीय प्रशासनिक और सबको पॉलिटिशियन को सबको हम एक अपना रिव्यू देंगे। अगर लूट स्मार्ट चैनल का रिव्यू का अगर स्वीकार किया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो लूट की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हुई है पर नियंत्रण पा सके। इसी तरह प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे और आप इसी के साथ आपको हम प्रमुख समाचार के साथ अपने स्टूडियो से आपको बोलते रहेंगे। इसी के साथ हम वापस होते हैं। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।